नमस्ते दोस्तों, टेस्टी फूड विद नेहा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के साथ अपने मसाला अप्पे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और प्लीज़ दोस्तों, इसके पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिए, प्लीज़। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आलू उबालना होगा। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं जिसका मैंने छिलका उतार लिया है और अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। देखिए, मसाला अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका मसाला तैयार करना होगा। अब मैं एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी, इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डालूंगी, ये देखिए। और अब मैं इसमें ये खड़ा जीरा डालूंगी, राई डालूंगी, पीली राई है। और ये मैं 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। अब मैंने 4 प्याज काटे थे जिसमें से आधा प्याज मैं बचा लूँगी। आधे प्याज को मैं इसमें डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए, अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी और इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। मैं इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डालूंगी, तकरीबन 2 कटे टमाटर डालूंगी, बाकी के टमाटरों को बचा लूंगी। टमाटर जब तक पक जाए तब तक मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए, इस तरह से मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगा है, मतलब कि हमारा मसाला भुना चुका है अच्छे से। अब मैंने जो आलू मैश करके रखे थे वो मैं इसमें मिला दूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दीजिएगा। मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, हमारा मसाला बन करके तैयार है। मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लूंगी ठंडा होने के लिए। ये देखिए, इसके बाद मैं अप्पे का बैटर बनाने की तैयारी करूंगी। इसके लिए एक बाउल में मैं 1.5 कटोरी सूजी लूंगी, आप कैसी भी सूजी ले सकते हैं, मोटी पतली कैसी भी। अब मैं इसमें 1 कटोरी दही डालूंगी, मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1.5 कटोरी पानी डालूँगी। देखिए, एक साथ पूरा पानी ना डालें वरना मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने जो प्याज रखे थे बचा के कटे हुए उसे इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी जो बचा था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। कटे हुए टमाटर जो मैंने बचा के रखे थे, 2 कटे टमाटर हैं ये बारीक कटे हुए। अब मैं इसमें 1/2 कटोरी धनिया पत्ती कटा हुआ डालूंगी। अब मैं 1 टीस्पून नमक डालूंगी, ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें मीठा सोडा डालूंगी।
देखिए कई लोग इसमें इनो डालते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इनो पसंद नहीं होता, तो उसकी जगह पे अगर आपको अप्पे खाना है तो आप हाफ टी स्पून इसमें इनो के जगह पे मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये अप्पे का मशीन है इसे मैं गैस पे चढ़ा दूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी सब में। ये देखिए इसकी खासियत यही है दोस्तों कि ये बहुत थोड़े से तेल में बनकर तैयार हो जाता है और ये एक बहुत ही टेस्टी और यमी नाश्ता है। आप जब चाहें इसे अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए किसी में ज़्यादा तेल डला गया था तो मैं उसको मैं अच्छे से सब में एक बराबर कर ले रही हूँ, आप भी इस तरह से कर लें। मेरी रेसिपी से अगर आप अपने घर पे ये मसाला आप पे बनाएंगे दोस्तों तो यकीन मानिए कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे और ये बहुत ही टेस्टी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बैटर सब में डालूँगी, एक बार से पूरा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा बैटर पहले हमें सब में डालना है क्योंकि मसाला पे हमें बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले यही प्रोसेस करना होगा। एक साथ पूरा ना भरें वरना आपका मसाला पे नहीं बन पाएगा। देखिए मैंने सभी सांचे में थोड़े थोड़े बैटर डाल दिए हैं। अब मैं ये आलू का जो मसाला मैंने बनाया था उसे इसके ऊपर डालूँगी। ये देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ बिल्कुल आप इसी तरह से डालिएगा। ये देखिए अब मैं ऊपर से जो बैटर है उसे पैक कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से आप ऊपर तक पूरा इसे पैक कर दें। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाकर। मैं इसे ढक दूंगी, तकरीबन आप इसे एक मिनट के लिए ढक दें। ये देखिए और अब हम इसे पलट देंगे। वाओ देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब बनकर रेडी हो तो मैं इसे खाऊँ। कितना सुंदर दिख रहा है ना। देखिए सबको मैंने पलट दिया और अब फिर से मैं इसे ढककर एक मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देखिए एक मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे निकाल लूँगी। वाओ यम्मी, ये देखिए क्या दिख रहा है। तो दोस्तों है ना लाजवाब नाश्ता, आप अपने घर पे ज़रूर इसे शेयर करिए, बनाइए।